दोस्तों अभी समय हो गया है फॉर्मेशन को लीड करने का और यहाँ पे हमको भाई लोग मिला है। हेलो, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम त्रिभुवन ठाकुर हुआ। त्रिभुवन ठाकुर जी, और आपका? त्रिभुवन ठाकुर नाम हुआ मेरा। और यहाँ पे जो है ना, हम लोग काफी अच्छे से बात उत किए हैं। अपना जो सारा गाड़ी है ना यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे नवनीत भाई भी रेडी है और बाकी जितने भी भाई है, भदत भाई है, सभी लोग यहाँ पे रेडी है। और जो विकास जी है ना यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई, जो लोग यहाँ पे है ना वो लोग हमारा इंटरव्यू दे रहे हैं और काफी बढ़िया लगा। देखिए अभी भी इंटरव्यू चल ही रहा है, अभी रजत भाई दे रहे हैं इंटरव्यू। भाई, जब ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं ना राइड के अंदर तो काफी मजा आता है और यहाँ देख रहे हो लोगों की खुशी, बहुत ही अच्छा लग रहा है अपन को यहाँ पे। दोस्तों, जैसे ही अपन होटल रूम से बाहर निकले थे जाने के लिए, तो वहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए थे। इसमें से एक पत्रकार भी थे और साथ में कुछ लोग देखने वाले भी मिल गए थे। और जैसे उनसे बात हुआ हमारा ना, तो उन्होंने कहा आप छोटा सा एक इंटरव्यू दे दीजिए अपने हमारे चैनल के लिए। भाई, लोग जो है ना सभी जगह के अच्छे होते हैं, बसरते आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा। हेलो, हाय, नमस्ते, नमस्कार, आपको कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ सभी के कॉर्नर कमाल के फ्रेश वीडियो में। तो अभी अपन रुके हुए हैं फॉरबिसगंज से थोड़ा सा आगे और यहाँ पे सोचे कि भाई लोगों को पहले आने देते हैं, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट राइड का ये दूसरा दिन है और भाई काफी मजा आ रहा है, काफी बढ़िया बढ़िया लोग हमें देखो के यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों, अभी अपन अररिया पहुँच गए और यहाँ से जो है ना हमें ऑफ रोडिंग देखने को मिलेगा। और सुने कि रोड ना काफी गंदा है भाई, यहाँ से ना बहादुरगंज पहुँचते पहुँचते ना काफी अधिक ऑफ रोडिंग का सामना करना पड़ेगा। काफी सीक्रेट लोकेशन पर रुके हुए हैं भाई। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा। हाँ, वेयर हाउस। हाँ, हम लोगों ने एक बहुत मालदार पार्टी को किडनैप करके रखा है। अच्छा अच्छा, पूरा ट्रिप का स्पॉन्सर देगा वो। ओह माय गॉड, साउथ मूवी जैसे होता है। दोस्तों, अभी अपना अररिया में है और यहाँ पे जो है ना सिलीगुड़ी वाला जो रास्ता है उसमें अपन रुके हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना दो भाई, इनके पास जो 100 सीसी का बाइक है स्प्लेंडर है, वो अभी नहीं आए हैं, पीछे ही है, इसीलिए अपन यहाँ पे रुके हैं। और यहाँ पे देखिए दोनों गाड़ी अपना लगा हुआ है। यहाँ पे नवनीत ब्रो अंदर में थे बियर हाउस के अंदर और कह रहे हैं कि एक भाई को जो है ना किडनैप करके रखे हैं इसके अंदर। और पता है भाई क्या होता है, यहाँ पे जो है ना एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया था जो कि पेंटिंग का काम करता है। और पता है हमें क्या बोल रहा था, इनके मतलब अंदर से पेंटिंग करने का जो काम है ना, किसी को आप दे दिए हैं कि अभी नहीं दिए हैं? अगर नहीं दिए तो हमको दे दीजिए। मैं मतलब दे दिया हूँ। और भाई, अगर आप एनएस ब्लॉग्स 21 को नहीं जानते तो प्लीज विजिट कीजिए एनएस ब्लॉग्स 21, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। है तने हम लोग कर दीजिए भाई। ये जो आगे में गाड़ी है ना बेलोड़ो, इसमें जो भाई लोग है ना काफी अच्छे हैं और गाड़ी आगे से घुमा करके आए थे और हम लोगों से बात किए थे। अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था कैमरे में। कह रहे हैं भैया आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? आगे चौक से। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? और आपका? ठीक है भैया, हम लोग मधुबनी से आ रहे हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। भाई, ये लोग जो है ना बिहार सरकार के कर्मचारी थे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, और ऑन ड्यूटी का बोर्ड लगाए हुए थे। काफी बढ़िया लगा इन लोगों से मिलके। थैंक यू भाई आप लोगों को, आप लोग इतना प्यार देते हो रास्ते में, इसी से हमारा जो मन है ना गदगद हो जाता है। भैया दीजिएगा 590 का। पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में यहाँ पे राजस्थान पंजाब हरियाणा ढाबा लिखा हुआ है। अपन चलते हैं तो खाना खा लेते हैं, बेकत भूख बहुत जोरों से लग गया है। दिन के करीब 1 बज रहा है, इसलिए लग तो रहे हैं तो खाना मिल जाएगा। हाँ, रोटी वोटी बन रहा है, मिल जाएगा। व्यवस्था वहाँ का भाई ठीक नहीं था, इसलिए अपन वहाँ पे खाना नहीं खाए। देखते हैं आगे जहाँ भी कोई भी ढाबा मिल जाए वहाँ पे खाना खा लेंगे, बिकॉज भाई भूख जोरों से लगा है, काफी अधिक भूख लगा है। और भाई विकास जी को जो है ना एक्सट्रीम लेवल का भूख लगा है। और यहाँ पे जो है ना काफी अधिक भूख हमको लग गया था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बिस्किट खा लिए और पानी पी लिए हैं। अब जहाँ पे हमें ढाबा मिलेगा अपन वहाँ पे खाना खाएंगे सबसे पहले, क्योंकि दिन के 2 बजने वाले हैं और अभी तक अपन कुछ नहीं खाए थे, थोड़ा भी, बस एक गिलास पानी पिए थे। भाई पॉपलेन का क्या आर्म दिख रहा है, देखो पॉपलेन जो है ना ट्रक पे खड़ा है ऊपर में एंड काम चल रहा है नीचे में। वाह क्या बात है गांधी जी, ऐसा बड़ा जेसीबी ना अपने यहाँ भी होना चाहिए। अरे पॉपलेन तो इसमें सेट ही है ट्रक में। भाई इस होटल का नाम है सागर होटल एंड यहाँ पे ना काफी अधिक एसएसबी के जवान लोग खा रहे हैं खाना, मुझे लगता है खाना अच्छा होगा। पता है खाने का जो कीमत है ना आज पता चल रहा है, बहुत अधिक जोर से भूख लगा, सारे भाई भूखे हैं। भाई बहुत जगह ढूंढने के बाद जो है ना अपन को खाना मिल चुका है और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, बिकॉज भाई भूख जोरों से लगा है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे 2-3 घंटे रुकने के बाद हम लोग खाना भी खा लिए, आराम भी कर लिया और प्लस में नवनीत भाई अपना वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं और निकल रहे हैं जल्दी से सिलीगुड़ी तरफ, बिकॉज यहाँ पे भाई 4 बजने वाला है और सिलीगुड़ी यहाँ से कम 120 किलोमीटर के आसपास है, तो हम लोगों को कम से कम 7-8 बजे रात तक पहुंचना ही पड़ेगा। भैया यहाँ पे एक हेलमेट मिल जाएगा, हेलमेट पीछे।
दोस्तों यहाँ पे एक चर्च का हेलमेट ले लिए हैं गांधी जी के लिए, और गांधी जी जो है नदी के यहाँ पेमेंट करने के लिए अंदर। भाई अपन कह रहे थे फटोना हेलमेट लेंगे तब के फारबिसगंज में लेंगे, फाइनली फारबिसगंज से आगे आकर अपन यहाँ पे हेलमेट लिए हैं, क्योंकि हेलमेट बहुत ही जरूरी है राइड के लिए। आप लोग भी हमेशा राइड करते हो तो हेलमेट यूज करा करो, क्योंकि हेलमेट जो है ना आपकी जान बचाती है एक्सीडेंट के समय। भाई ये सड़क ने इतना खराब है कि पूछे मत, देख रहे हैं करीब 10 किलोमीटर से जो है कीचड़ कीचड़ सड़क पे है, काफी कठिन है भाई इस सड़क पर राइड करना, बिकॉज चक्का जो है ना काफी अधिक स्लिप कर रहा है। सुनिए ना रजत आगे निकल गए आगे। अपनी गाड़ी का जो पोल्यूशन पेपर है ना एक्सपायर हो गया था, अपन जल्दी से यहाँ पे करा लिए हैं, बिकॉज अपन वेस्ट बंगाल एंटर करने वाले हैं। और ये भैया ये हैं हमारे गाड़ी का पोल्यूशन, भाई काम हो चुका है, पेपर बन गया, अपन निकलते जल्दी से यहाँ से। भाई पता नहीं हम कहाँ हैं, बट यहाँ पे देखो लाइट जो है ना काफी अधिक मात्रा में लगाया गया है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री वगैरह, अच्छा था ईंट उद्योग है गांधी जी, ईंटा का उद्योग है यहाँ पे। दोस्तों आज के दिन का जो है ना ये चौथा टोल प्लाजा है, और भाई ये जो सड़क है ना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और फिर भी यहाँ पे जो है ना भर भर के टोल टैक्स वसूला जा रहा है, पता नहीं क्यों। दोस्तों अभी अपन जिस जगह से गुजर रहे हैं ना, ये जगह वही जगह है जिसे अपन चिकन नेक कहते हैं अपने यहाँ मैप में, जो इंडिया का चिकन नेक जिसे कहते हैं ना वो जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया का जो लैंड है ना 17 किलोमीटर चौड़ा ही है, लेफ्ट साइड में नेपाल है और राइट साइड में बांग्लादेश है भाई। और ये जो आप बीच में पट्टी देख रहे हो ना, ये केवल 17 किलोमीटर का पट्टी है, इसलिए इसे चिकन नेक कहते हैं इंडिया का। और ये जो 17 किलोमीटर की जो पट्टी है ना भाई, यही जोड़ती है भारत को जो 7 सिस्टर स्टेट है ना उनसे, तो ये अपने आप में काफी अहम हो जाती है भारत के लिए, सामरिक दृष्टिकोण से भी और कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी इसको बता के रखना। और चाइना जो है ना हमेशा से इसी को काटना चाहते रहता है, बट ऐसा कभी होगा नहीं। सिलीगुड़ी यहाँ से जो है 44 किलोमीटर बचा हुआ है, गुवाहाटी 490 किलोमीटर, और अभी अपन पहुँच नहीं वाले हैं भाई सिलीगुड़ी। यहाँ पे चेकिंग होता है क्या? अच्छा ओके, यहाँ पे ना चेक पोस्ट था, इंटर स्टेट चेक पोस्ट बिहार और वेस्ट बंगाल का, ये लगता है बिहार का चेक पोस्ट था और आगे वेस्ट बंगाल का चेक पोस्ट आने वाला है। भाई यहाँ पे जो है ना एलिफेंट क्रॉसिंग का बोर्ड लगा हुआ है जगह जगह पे, मतलब कि हाथी जो है ना यहाँ से क्रॉस करता है, सड़क क्रॉस करता है। ओह माय गॉड, अपन पहली बार इससे गुजर रहे हैं जहाँ से एलिफेंट क्रॉस करता है। बस थोड़ा देर और, यहाँ से सिलीगुड़ी 14 किलोमीटर है, और बगल में जो है ना यहाँ से 4 किलोमीटर के रेंज में ही बागडोगरा एयरपोर्ट है। भाई ठंड से हालत खराब है, ठंड बहुत ही लग रहा है, अपन गमबूट पहने हुए फिर भी पैरों में ठंड लग रहा है। फाइनली सिलीगुड़ी में आप सभी का स्वागत है, और यहाँ पे जो है ना भाई ट्रैफिक रूल है ना काफी स्ट्रिक्ट है, और हर एक रूल को पालन करना, बिकॉज यहाँ पे जो है ना काफी अधिक टाइट तरीके से ट्रैफिक रूल को पालन करवाया जाता है। जब तक रेड लाइट है तब तक अपन को डरना नहीं है, रुकना है यहाँ पे, ये जो बत्ती है ना ग्रीन होगी उसके बाद ही निकलना है। भाई सिलीगुड़ी जो है ना काफी डेवलप हो गया है पहले से, सिलीगुड़ी लगता ही नहीं है कि सिलीगुड़ी में अपन है। देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, साफ सुथरे सड़क, सड़क पे स्ट्रीट लाइट, काफी कमाल लग रहा है। और यहाँ पे जो है ना भाई पश्चिम बंगाल में ये जो बैरिकेडिंग है ना पुलिस वाला, वो अलग ही टाइप का है, ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं था। वो वैसे भी तो वेस्ट बंगाल का जो पुलिस है, ट्रैफिक वाला रहता है वो पुलिस हो, उसका तो व्हाइट ड्रेस है ना स्कूल के बच्चों जैसा। भाई भूख लगा है बहुत ना भाई, रात के करीब 12 बजने वाले, और यहाँ पे अपन खा रहे हैं खाना सिलीगुड़ी में, और भाई सभी को काफ़ी भूख लगा है और नींद भी काफ़ी जोरों से लगा हुआ है, थके भी सब लोग, जल्दी से खाना खाते हैं और चलते होटल में सोते हैं। यहाँ पे अपन का बाइक पार्क हो गया है भाई, डॉर्निन भी यहीं पे है और स्प्लेंडर भी यहीं पे है और भी यहीं पे है। दोस्तों अभी रात के 12 बज गया है और अपन यहाँ पे आ गए रूम के अंदर, आज का अपना ये होटल रूम है, 3 बेड इसमें लगा हुआ है, अपन 3 लोग इसके अंदर सोएंगे। और यहाँ पे नवनीत बिहारी रॉकिंग कर रहे हैं, रॉकिंग। हाँ एक और रूम दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और बेड है, एक और रूम है, इसमें भी 3 लोग सोएंगे इस बेड पे। देख रहे सारा का सारा सामान इसे पसरा हुआ है, काफी बढ़िया लग रहा है। और गोपाल भाई रात के 12 बजे सिलीगुड़ी के अंदर हम लोग अभी है, बुरा कंडीशन है, बहुत बुरा। जल्दी से इस ब्लॉग ये समाप्त करते हैं, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।